इतनी पहचान काफी नहीं है ना, है ना? तो अब मेरी पूरी पहचान सुनो। मेरा नाम है पितूरी, जिनिस्तान का जिन हूं मैं, और तुम दोनों को मैं अपने साथ जिनिस्तान ले जाने आया हूँ। कौन हो तुम? यहाँ कैसे? और मानो मेर का है? अरे अरे रुको रुको रुको। तुम्हारे आखिरी सवाल का जवाब पहले। मेर ये रही चिराग के अंदर और मानव ये रहा। अरे छोड़ो मुझे प्लीज, छोड़ो, अरे छोड़ दो मुझे प्लीज। एक गया मानव। अरे अब तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब। मैं यहाँ उड़ के आया हूँ और अब तुम्हारे पहले सवाल का जवाब। मेरा नाम है फितूरी, मैं जिनिस्तान का जिन हूँ और अब तुम्हारे उस सवाल का जवाब जो तुमने पूछा ही नहीं, मैं इन दोनों को अपने साथ जिनिस्तान ले जाऊंगा, क्योंकि इन दोनों की कैद में छुपी है मेरी आजादी। बालवीर बचाओ! बालवीर बचाओ! बालवीर तुम्हारे सामने ही है बच्चों, तुम्हारे सामने अपना रूप नहीं बदल सकता, लेकिन वो तुम्हें बचाएगा जरूर। बालवीर, बालवीर, बचाओ, बचाओ। ये कहाँ चला गया? रोहित, हमें कुछ भी करके एंटीक चीजों के कंपटीशन में फर्स्ट आना होगा और तुझे सेकंड। और इसके लिए हमें पता लगाना पड़ेगा कि महर मानो के एंटीक चीजें क्या है। अरे मोंटो बॉस, जब आपको पता था कि मेहर के घर जाना है तो अपने गाड़ी क्यों नहीं मंगवाई? अरे मेरे ड्राइवर अंकल ने भी छुट्टी ले ली ना, मैं क्या कर सकता हूँ? देख मुझे चला भी नहीं जा रहा है और यहाँ पे कोई ऑटो भी नहीं रुक रही है। तू तू एक काम करना, तू मुझे गोदी में उठा ले। अरे ये मोंटो बॉस, अगर मैंने आपको उठाया तो मुझे कौन उठाएगा? बेवकूफ, आइडिया सोच। हाँ, मिल गया आइडिया बॉस। एक बार ना मेरे पापा की स्कूटर बिगड़ गया था, तो दूसरे स्कूटर पे एक मैकेनिक बैठ के उसको टोचन दे रहा था, भुण भुण करके। टोचन? मतलब उसको धक्का दे रहा था भुण भुण करके। कैसे? बता दो बस, आप ऐसे आगे जाओ। हाँ। बालवीर
मालवीय जीनिस्तान के मार्ग पर क्यों जा रहे हैं? जीनिस्तान का चिराग लगता है बालवी उसके पीछे जा रहे हैं। शायद बालवी को ये पता नहीं है, अगर वो जीनिस्तान के अंदर प्रवेश कर गए तो बाहर निकलना असंभव होगा। हमें किसी भी हालत में बालवी को रोकना ही होगा। बालवी, बालवी रुक जाइए, बालवी वहां खतरा है, रुक जाइए। क्या करें हम? ये भटकाती परी यहाँ क्या कर रही है? अगर बालवीर को रोक लिया तो क्या? समाचार समाप्त और आपकी वाहियात योजना भी समाप्त। बंद करो अपनी एकाली जबान। तौबा तौबा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आगे बढ़ो बालवीर, कुछ और पल बढ़ते रहो आगे। बालवीर रुक जाइए, वहां खतरा है। बालवीर जल्दी आओ, बालवीर, बालवीर आओ, बालवीर। आ गया जिनिस्तान। बालवीर अब कुछ ही पल में तुम हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाओगे और मैं आजाद। बालवीर, बालवीर रुक जाइए, वहां खतरा है। बालवीर के लिए खो दिया। शाबाश फितूरी, शाबाश। आज तुमने वो कर दिखाया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया। सच्चाई और अच्छाई के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद, अब बुराई का दरवाजा खुलेगा। परिलोक और पृथ्वीलोक पर बुराई का अंधेरा फैल जाएगा। देखा तौबा तौबा, हो गई ना मेरी योजना सफल? कहता था मैं पहले ही आपको कि है हमारी योजना लाजवाब। आपकी आपकी योजना फिसलती जबान। जिन्निस्तान में इंसान, इसकी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? मुझे इसे बादशाह के सामने पेश करना होगा। कमाल है, मेरे वार का इस पर असर क्यों नहीं हुआ? अरे ये क्या हो रहा है? यहां मेरी शक्तियां भी काम नहीं कर रही है। मैं उड़ क्यों नहीं पाता? मैं नीचे कैसे गिर रहा? yeah!
हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। खड़ा खड़ा, तुमने हमारे सारे पुरुष गिरा दिए। अरे तुम सैनिक हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारा नुकसान करो। हम बादशाह से तुम्हारी शिकायत करेंगे, देखना तुम छोड़ेंगे नहीं हम तुमको। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो एक इंसान को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ये मैं कौन सी दुनिया में आ गया? गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग। अरे मोंटू कैसा है बेटा? हाँ आओ बैठो। थैंक्स दादाजी। मानोल मेरे कहा है। ए? तुम लोग इतना हाफ क्यों रहे हो? तो वो हम लोग चल के आए ना, इसलिए मेरी सांस चढ़ी हुई है। कमाल है, इतनी सी छोटी उम्र में तुम्हारी सांस फूलने लगी। तो मालूम है, जब मैं तुम्हारी उम्र का था दौड़ के पहाड़ चढ़ जाता था लेकिन सांस नहीं फूलती थी। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हारा वजन कम करना पड़ेगा। दादा जी वो सब छोड़िए ना, वो मानव और महर। अरे मानव महर को बाद में भी मिल लेना, तब तक मैं तुम्हें योगा सिखाऊंगा। क्या? अरे बैठो। देखो पहले पेट अंदर लो, पेट अंदर करो। अरे पीछे नहीं जाना है, पेट अंदर लेना है। इतना ही दादा? दादाजी बहुत चर्बी है। थैंक यू। पेट में बहुत चर्बी है, अंदर भी नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं होगा, एक काम करते हैं, मैं तुम्हें प्राणायाम सिखाता हूं। देखो पहले ऐसे सांस लो, दादाजी आपने सांस लेने को तो कहा पर सांस कब छोड़नी है बताया ही नहीं। पता नहीं चलता है कि तुम्हारे शरीर का इलाज करूं या तुम्हारे दिमाग का। चलो हो गया, योगा हो गया, खड़े हो जाओ, मिलते हैं। अरे रुको, अब हम करेंगे एक्सरसाइज। अच्छा जगह पे खड़े रहो और जॉगिंग करो, जॉगिंग ऐसे ऐसे करना है। चलो जॉगिंग शुरू करो। वरना अगर बालवीर आ गया ना तो तुम्हें रोना पड़ेगा। अच्छा? अरे रोएगा तो तुम्हारा बालवीर, मेरे तो हंसने के दिन लौट आए हैं, क्योंकि तुम्हारे बालवीर को मिलने वाली है कैद और मुझे मिली ही है आजादी। और हाँ, अब तुम्हारा बालवीर इस जिनिस्तान से कभी वापस नहीं जा पाएगा। और हाँ सुनो, तुम दोनों इस चिराग में करो ऐश और मैं चला इस जिनिस्तान की खुली हवा में सैर करने, समझे? रुको जिन अंकल, रुको प्लीज।
जिन अंकल प्लीज हमें घर जाने दो प्लीज। बच्चों शायद तुम भूल गए, अब ये चिराग ही तुम्हारा घर है, ये तुम्हें खाने पीने के लिए सब कुछ देगा, लेकिन याद रखना खाने पीने के अलावा ये तुम्हें कुछ नहीं देगा, समझ में आया? तो अब मैं चला। भटकाती परी, ये आप क्या कह रहे हैं? बालवीर और जिन्निस्तान में, वो वहाँ क्या कर रहा है? आपने उसे रोका क्यों नहीं? बाल परे, हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन पर एक ही धुन सवार थी, उड़ते हुए जिराफ को पकड़ने की, इसलिए शायद वो हमारी आवाज सुन ही नहीं पा रहे थे। ये तो अच्छा नहीं हुआ भटकाती परी। रानी परी, हमें डर है कि कहीं हम बालवीर को हमेशा हमेशा के लिए खो ना दे, क्योंकि जिन्निस्तान एक बहुत ही खतरनाक जगह है और वहां से आज तक कोई लौट कर वापस नहीं आया। परियों, ये समय डरने का नहीं है, हम सबको मिलकर बालवीर को वापस लाने का उपाय ढूंढना होगा, लेकिन उससे पहले हम सबके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर बालवीर जिन्निस्तान में गए क्यों। महाविनाशनी, महाविनाशनी, इस प्रश्न का उत्तर है मेरे पास रानी परी। महाविनाशनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई परीलोक में प्रवेश करने की? बिजदार परे, 24 घंटे में ये परीलोक मेरा होने वाला है, मेरे घर में आने के लिए मुझे हिम्मत की क्या आवश्यकता है? खुली आंखों से सपने देखना छोड़ दो और बताओ हमें क्यों आई हो यहाँ? तुम जानना चाहते हो ना कि बालवीर जिन्निस्तान क्यों गया? मैंने एक छोटी सी चाल चली, मानव महर को एक चिराग में कैद करवा के मैंने जिन्निस्तान भिजवा दिया। क्या? क्या? और बालवीर, बालवीर तो है ही बच्चों का रक्षक, तो उनकी रक्षा करने के लिए बालवीर भी मानव महर के पीछे जिन्निस्तान चला गया। महाविनाशनी, अपनी शक्तियों को व्यर्थ मत करो परियों, तुम सब की शक्तियों का इस्तेमाल अब मैं करूंगी बुराई के लिए। 24 घंटे हैं तुम सबके पास, तुम सबको मेरी दासी बनना पड़ेगा, और जो भी अपनी मर्जी से दासी नहीं बनेगा वो याद रखे कि परिलोक में विनाश का ऐसा तांडव आएगा कि कोई भी नहीं बचेगा। याद रखना परियो, 24 घंटे। 24 घंटे तो दूर की बात है महाविनाशिनी, अब तुम्हारे पास 24 पल भी नहीं है। परियो, ये घड़ी हम सब के लिए संकट की घड़ी है, इसीलिए हम सबको सूझबूझ से काम लेना होगा। किसी भी कीमत में बालवीर को वापस ला के रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक कार्य करना अति आवश्यक है। विचार परी, भटकाती परी, आप दोनों मानव और मेहर का रूप धारण करके उनके घर में जाइए। मानव और मेहर का रूप लेकर? रानी परी, हम कुछ समझे नहीं। हाँ रानी परी। विचार परी, अगर मानव मेहर घर पर नहीं मिले तो उनके परिवार वाले उनको लेकर चिंतित होंगे, जिस तरह हम बालवीर को लेकर चिंतित हैं। इसलिए जब तक मानव मेहर और बालवीर को बचाने का कोई उपाय हम सोच ना ले, तब तक आप दोनों को मानव और मेहर बनकर उनके परिवार में रहना होगा।
अब आप समय को व्यर्थ मत कीजिए और जल्दी जाइए। जी रानी परी। अरे भाई मैं तुम्हें 50 बार समझा चुका हूँ, ये मेरी गलती नहीं है। मैं तो एक इंसान को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। क्या बात कर रहे हो, जिनिस्तान में और इंसान? हाँ, वो रहा इंसान का बच्चा। रुक रुक, अभी पकड़ता हूँ। अरे मैं तो मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ। अच्छा हो ये कपड़े मुझे मिल गए, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। हम मुझे जल्द से जल्द मानो मेहर से मिलना चाहिए, वो दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में होंगी। नहीं 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 नहीं, ठीक से नहीं कर रहे हो। एक काम करो, तुम जॉगिंग करो, आओ आगे आओ। दादाजी आपके कहने पे हमने योगा भी किया, अब जॉगिंग भी कर रहे हैं। अब तो मानो मेहर को बुलाइए। मेरा मानो मेहर है ना स्टोर रूम में। वो तुम्हारे स्कूल में कंपटीशन है ना एंटिक चीजों की, तो वो चीजें ढूंढने स्टोर रूम में गए हैं। वो आते हैं तब तक हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। चल दौड़। दादाजी अब मेहमानों का स्वागत योगा से करते हो? आपको तो पिज्जा से करना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक खोल के करना चाहिए, फ्रेंच फ्राइज खिला के करना चाहिए, पास्ता खिला के करना चाहिए। अरे क्या बोल रहा है तू? इन सब चीजों का नाम लेने से भी वजन बढ़ जाता है, मालूम है तुझे? एक्सरसाइज शुरू करो। दादाजी थक गए। थक गए? हाँ। ठीक है तो रुक जा। अब मैं तुम्हें ऐसी एक्सरसाइज कराऊंगा जिससे तुम्हें थकान महसूस नहीं होगी। देखो क्या करना है, ये देखो गर्दन देखो, मेरी गर्दन देखो, तुम्हारी गर्दन देखो। अरे कैसी पतली है, ऐसी गर्दन होनी चाहिए, समझे? देखो अभी मैं गर्दन की एक्सरसाइज सिखाता हूँ। एक काम करो, इधर पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। ऐसे कमर पे हाथ रखो। अभी है ना, मैं जो लेफ्ट राइट बोलूंगा उस तरफ तुम्हें गर्दन को झटकना है। एक बार करके दिखा दो। लेफ्ट ऐसे झटक, मैं बोलूंगा राइट तो राइट साइड झटक रहा है। ओके समझ गए? शुरू करो। क्या हुआ बाबूजी, आप फिर से अटक गए? नहीं मैं नहीं अटका हूँ, ये दोनों अटक गए, गर्दन अटक गई इनकी। छुड़ा नहीं मिल रहा है तुमको? अरे बापू जी ये लोग तो चले गए। अच्छा रॉकी भैया आप एक काम कीजिए, आप स्टोर रूम से मानव और मेहर को बुलाकर लाइए। मैंने उनके लिए चाइनीज मंगवाया, महेश भी लाते ही होंगे। चाइनीज? और बापूजी आप खाना खाने चलिए, मैंने आपके लिए करेले की सब्जी बनाई है।
अरे चाइनीज बच्चों के लिए चाइनीज खाना और मेरे लिए रोज करेले की सब्जी और करेले का जूस। नहीं, आज तो मैं भी चाइनीज खाना खाऊंगा और बच्चों को खिलाऊंगा करेले का जूस और करेले की सब्जी। भटकाती परी, हम मानव का रूप लेते और आप मेहर का रूप लीजिए। हाँ ठीक है, लेकिन विज़दार परी हमें सावधानी बरतनी होगी। हाँ भटकाती परी, रूप परिवर्तन के नियम के अनुसार हमें हर 2 घंटे बाद 15 मिनट के लिए मेहर और मानव के रूप से अपने असली रूप में आना पड़ेगा। इसी बात की तो चिंता है विज़दार परी कि हर 2 घंटे में 15 मिनट के लिए मानव और मेहर गायब हो जाएंगे, और अगर ऐसी स्थिति में घर वालों को संदेह हो गया तो। भटकाती परी आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए हम जल्दी से रूप बदलते हैं। जी के बादशाह की जय हो। ये सब क्या है? इस तरह इस रास्ते पर फल क्यों बिखरे हुए हैं? किसके फल हैं ये? जिनिस्तान के बादशाह की जय हो। ये सारे फल हमारे हैं बादशाह। आपके इस सैनिक की वजह से ये सारे जमीन पर बिखरे हुए पड़े हैं। हमारा बहुत नुकसान हुआ बादशाह। क्या ये सच कह रहा है? जी बादशाह, पर ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ है। मैं तो उस इंसान को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जो जिनिस्तान में घुस आया है। क्या? इंसान और जिनिस्तान में? जाओ उसे जल्द से जल्द पकड़कर हमारे सामने पेश करो, हम उसे अपने हाथों से सजा देंगे। जाओ। जी बादशाह। और तुम कल हमारे महल में आकर अपने नुकसान की कीमत ले जाना। आप बहुत दयालु है बादशाह, शुक्रिया। जिनिस्तान के बादशाह की जय हो। ये तो फितोरी है, वही जिन जो मानो मेहर को चिराग में कैद करके यहाँ लेकर आया था। इसको पकड़कर अभी पता लगाता हूँ कि आखिर मानो मेहर को इससे कहाँ छुपा कर रखा है। ठहरो। अरे मानो मेहर, चलो जल्दी चलो, भाभी ने खाना खाने के लिए बुलाया। अब मोटा भाई चाइनीज फूड लेने गए। किंतु हम पृथ्वी लोग का आहार नहीं लेते। क्या क्या नहीं लेते? चाइनीज फूड। मानव के कहने का ये मतलब है कि अभी उसे चाइनीज फूड खाने का मन नहीं है। हाँ सही कहा भटकाती परी ने। परी? कौन परी? कहाँ है परी? हम मतलब मैं है? मैं आपको समझाती हूँ, वो सुबह से मानव मेरी हिस्ट्री की किताब मांग रहा है, तुम तो मस्का लगा रहा है परी परी कह के। अच्छा अच्छा, ओ हाँ हिस्ट्री से याद आया, मोंटो और रोहित आए थे। मोंटो और रोहित का हिस्ट्री से क्या लेना देना? हाँ। हिस्ट्री से लेना देना है ना, क्योंकि जब भी मोंटो हमारे घर आता है तो उसकी बैंड बजती है, आज भी उसकी बैंड बजी थी। अच्छा आज क्या हो रॉकी चाचू? अरे आज बापूजी ने मोंटो और रोहित से योगा कराया, और योगा करते करते उन दोनों की गर्दन ऐसे अटक गई, और अटक के वो लोग ऐसे भाग गए। अच्छा रॉकी चाचू अब बातें बंद कीजिए, चलिए ना हमें बहुत भूख लगी है, चाइनीज फूड खाते हैं। हाँ चलो चलो चलो।
नान, राइस और मंचूरियन आ गया है। चलो आइए। मेहर मानव बल्लू। अरे कमाल है, चाइनीज का नाम सुनते ही बच्चे भागे चले आते थे, आज कोई क्यों नहीं आ रहा है? ये एंटीक है क्या? प्रोजेक्ट के लिए एंटीक चीजों को ढूंढने में बिजी होंगे। अभी बुलाता हूं मैं। मानो बेटा, बेटा बल्लू। हाँ तो दबा के चाइनीज खाऊंगा। बापू जी, आपको पता है ना ये चाइनीज है और ये तीखा होता है, आपको डॉक्टर ने तीखा खाने से मना किया है। मैं कहाँ खा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ चख रहा हूँ। 7-8 मंचूरियन खाऊंगा और 2-3 प्लेट से जॉन राइस बस। 7-8 मंचूरियन और सैजवान राइस। 7-8 ही तो है बापू जी। आपके लिए माँ ने नीम और करेले का काढ़ा बनाया, आपको वो पीना है। नीम और करेले का काढ़ा मैं नहीं पीऊंगा, मैं ये चाइनीज ही खाऊंगा। ठीक है, आप चाइनीज खाइए, मैं माँ से पूछती हूँ कि काढ़ा कौन पिएगा। माँ बहू रहने दे, कस्तूरी को अगर पता चला ना कि मैंने चाइनीज खाया तो वो मुझे चाइना बेच देगी। मैं काढ़ा ही पी लेता हूँ। लेकर आऊँ? लेकर आऊँ अभी लाए बापू जी। अरे ये बल्ब कैसे जल रहा है? रॉकी चाचू, वो बल्ब तो पहले से ही जल रहा था। नहीं नहीं, जब मैं आया था तब ये बल्ब नहीं जल रहा था। नहीं रॉकी चाचू, मैं कह रही हूँ ना जल रहा था, वो देखिए स्विच भी ऑन है। नहीं नहीं, ये स्विच भी ऑफ था। अरे रॉकी चाचू, स्विच ऑन था और बल्ब पहले से ही जल रहा था। चलिए ना, अभी बहुत भूख लगती है। चाइनीज फूड खाना है कि नहीं? चलो चलो चलो। अरे कैसे जीनो तुम, बादशाह के सामने सर नहीं झुकाया? बादशाह की जय हो, बादशाह की जय हो। पितूरी, बादशाह की जय हो, बादशाह की जय हो। तो हमने सही पहचाना, तुम फितूरी ही हो। हमें देखकर तुम अपना मुंह क्यों छुपा रहे थे? नहीं नहीं बादशाह, मैं आपको देखकर अपना मुंह कैसे छुपा सकता हूँ, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। उल्टा मैं तो आपके महल में आके आपसे ये कहने वाला था कि मैं वापस लौट के आ चुका हूँ, अगर कोई हुकुम हो तो बताइए। लेकिन तुम इतनी जल्दी वापस कैसे लौट आए, तुम्हारी सजा तो अब तक खत्म नहीं हुई है। हाँ बादशाह, वो बात यह है कि मेरे अच्छे कामों को देखकर मेरे चिराग ने मेरी सजा कम कर दी और मुझे आजाद कर दिया बादशाह। तुम और अच्छे काम, हमें यकीन नहीं होता। हम तुम्हारे फितूर से और जिनिस्तान के नियमों को तोड़ने की आदत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो इंसान आज जिनिस्तान आया है वो तुम्हारी वजह से आया हो? नहीं नहीं बादशाह, नहीं नहीं, मैं इंसानों को यहाँ पे कैसे ला सकता हूँ, जिनिस्तान के नियमों को कैसे तोड़ सकता हूँ, पर मैं तो सुधर गया हूँ ना बादशाह। कितना झूठ बोल रहा है ये, एक बार मुझे मानव मेहर मिल जाए फिर इस फितूरी को मैं खुद बादशाह से कड़ी सजा दिलाऊंगा। फितूरी, अगर हमें पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो तो हम तुम्हें जिनिस्तान की आग के कुएं में झोंक देंगे, समझे? बादशाह की जय हो, बादशाह की जय हो। भाई देखना, उस इंसान को मैं छोड़ूंगा नहीं। ये फितूरी कहाँ चला गया? मैं मानो मेहर को कैसे ढूंढू? अब यहाँ किससे पूछूं कि फितूरी आखिर रहता कहाँ है? यहाँ मेरी मदद कौन करेगा? मटका जी परी, पता नहीं
तुम्हें और कितनी देर तक मानव और मेहर के रूप में रहना होगा। ये तो बहुत ही मुश्किल है। बालवीर अगर जल्दी से मानव और मेहर को जीने स्थान से वापस लेकर नहीं लौटे फिर तो हम बोलो मैं पूरा घर ढूंढ के आया हूँ और आप लोग यहाँ हो। बच्चों चाइनीज लेके आया हूँ, महाराजा और बल्लू को भी लेके। बल्लू कहाँ है? ओ भाई, ओ एक दूसरे की और मत देखो, बल्लू कहाँ है ये बताओ। अब क्या करें, बालवीर तो यहाँ नहीं है। हाँ बालवीर? नहीं नहीं बालवीर नहीं, क्या सुन रहे हो, बल्लू बल्लू अपना बल्लू कहाँ ये पूछ रहा हूँ मैं। वो तो स्नान घर में है। कौन से घर में है? बाथरूम, बाथरूम में। हिंदी में बोलना, बाथरूम में है, ये तो स्नान ग्रह क्या होता है। बल्लू बेटा, ए बल्लू बेटा, बल्लू भाई चाइनीज लाया हूँ, जल्दी बाहर आ जाओ। बल्लू अगर इन्होंने दरवाजा खोल दिया फिर तो हम पकड़े जाएंगे। अब तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें दादाजी को बल्लू बनाना होगा। हाँ विस्तार परी, आप सही कह रही हैं। मैं अभी दादाजी को बल्लू बना देती हूँ, जल्दी। बल्लू? ये बल्लू अंदर था ना, ये बाहर से ऐसे कहाँ से आया? बल्लू महेश कहाँ है? बल्लू महेश, पर तू बाथरूम में था ना, ये बाहर से कैसे आया तू? मैं बताती हूँ। देखो पापा, मैंने आपको ये कहा था कि बल्लू बाथरूम में है, लेकिन मैंने आपको ये नहीं कहा था कि वो हमारे बाथरूम में है। वो एक्चुअली दादाजी के बाथरूम में है। मतलब हॉल के बाथरूम में था। ओ भाई, ओ ओ तुम दोनों नक्की कर लो कौन से बाथरूम में था। हॉल हॉल पक्का पक्का हॉल है। बोलो ये कटोरी लेके बाथरूम में गया था तू? पापा वो हम तीनों को बहुत भूख लगी है इसलिए वो देखो कटोरी लेके आ गया। बच्चों आ जाओ, जबरदस्त टेस्टी चाइनीज लेके आया हूँ। टेबल पे आओ। अरे क्या शुक्रिया, अभी खुद भी गिरते और मुझे भी गिराते, हाथ पर टूट जाते दोनों के तो। अगर कालीन उड़ाना नहीं आता तो उड़ाते क्यों? नहीं आता इसलिए तो सीख रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे सीख रहे हो अकेले अकेले, कोई जानकार जन तो होना चाहिए ना तुम्हारे साथ जो तुम्हें सिखा सके। तो आप भी सिखा दो ना चाची, आप कितना अच्छा उड़ाती हो। अरे मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? चलो अभी के अभी कालीन नीचे उतारो, नहीं तो तुम्हारी शिकायत कर दूंगी बादशाह से। चलो उतारो कालीन जमीन पे। लेकिन मुझे उतरना ही नहीं आता। ओफो,
अब एक पैर आगे करो और कालीन पे वजन दो। हाँ झुमरू, अब तुझे कालीन पे देखा ना तो तेरी खैर नहीं। ठीक है चाची। चलो भाई, हा मंचूरियन। बापूजी कहाँ गए? उनके लिए काढ़ा लाई थी। बापूजी होंगे यहीं कहीं। बापूजी ने चाइनीज खाने की जिद की थी और मैंने मना किया था। मैंने कहा था काढ़ा ही पीना पड़ेगा। लगता है रूठ कर चले गए। मिता चिंता मत करो, काढ़ा मुझे दो, मैं पिला के आता हूँ। ठीक है। दादाजी तो यहाँ है। कहाँ? आप यहाँ? मैं आपको अंदर ढूंढने जा रहा था। चले बाबूजी, काढ़ा पीजिए। मैं काढ़ा नहीं पीऊंगा। बाबूजी जिद नहीं करते, काढ़ा पीजिए। मैं नहीं पीऊंगा काढ़ा। काढ़ा पीना पड़ेगा बाबूजी। अरे बाबूजी, अरे रोज रोज क्या मुझे काढ़ा पिलाते? आपकी सेहत के लिए है ना। पीजिए बाबूजी, पीजिए। ऐसा नहीं होता। क्या कर रहे हैं बाबूजी? ये पूरा पूरी शर्ट खराब। पीजिए पीजिए, पूरा काढ़ा खत्म कीजिए। ये पूरी शर्ट मेरी खराब हो जाएगी। आप आइए, मैं साफ करके देती हूँ। आइए। हाँ, क्या किया? आधा काढ़ा तो शर्ट में पिया। कोई बात नहीं, आइए मैं साफ। हो गया। रिश्तेदार परी, महेश और स्मिता नहीं है, अब हम इन्हें अपने असली रूप में लेके आते हैं। अरे वाह, चाइनीज। महेश, ये देखिए बापूजी। अरे बापूजी, अब आप चाइनीज खा रहे हैं? आपको मना किया था ना। ये ओ, और तू काढ़ा क्यों पी रहा है? मैं मोटा भाई, आप ही ने तो काढ़ा पिलवाया। मैंने? कब? अभी। ये क्या हो रहा है? नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे किसी भी तरह भीतरी को ढूंढना होगा, न मैं मानो मेहर से नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन मैं भीतरी को भी कैसे ढूंढूं? और पता नहीं क्यों पर यहाँ पर मेरी शक्तियां भी काम नहीं कर रही है। अब सजना भी दुनिया में किससे मदद मांगू मैं? मदद नहीं करता, कोई नहीं सिखाता मुझे काली रुआना। सब कहते हैं झुमरू अभी तो बच्चा है, बड़े होके सीखना, लेकिन मैं बड़ों की राह नहीं देख सकता। एक काम करता हूँ, मैं कालीन उड़ाने की कोशिश करता हूँ। Thank you.
अरे बच्चे हट जा वहां से, अरे बच्चे लग जाएगा बच्चे। अरे हट जाओ बेटा, हट जाओ वहां से बेटा, हट जाओ लग जाएगा तुम्हें। अरे बेटा हट जाओ वहां से। अरे ये बच्चा, मैं बच गया। शुक्रिया तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन बादशाह से मैं शिकायत मत करना, नहीं तो वो मेरा काले ले लेंगे और मुझे सजा भी देंगे। चिंता मत करो, मैं किसी से तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगा। वादा? हाँ हाँ पक्का वादा। लेकिन तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम ये कालीन संभल कर उड़ाओगी। संभल कर क्या, मैं तो उड़ाऊंगा ही नहीं। बहुत कोशिश की लेकिन मैं सीख ही नहीं पाया, और कोई मुझे सिखाने को तैयार भी नहीं है। सब कहते हैं झुमरू अभी तू बच्चा है, और बच्चे कालीन नहीं उड़ाते। अच्छा तो तुम्हारा नाम झुमरू है। देखो झुमरू, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कालीन उड़ाना बहुत आसान काम है। देखो जब हम पहले पहले कोई चीज करते हैं तो हमसे गलती होती है, लेकिन हमें गलतियों से भी सीखना चाहिए और उस गलती को सुधारना चाहिए। अगर पूरे ध्यान से और एकाग्रता से इस कालीन को उड़ाओगे तो जरूर सीख जाओगे। मैं उड़ाना तो तुम मुझे सिखाओगे? हाँ हाँ जरूर सिखाऊंगा, चलो। देखो जुम्मन, इस कालीन को सबसे पहले ऊपर उड़ाने के लिए हमें अपना एक पैर आगे लेकर पीछे वाले पैर पर वजन देना होता है, ऐसे। चलो आ जाओ झुमरू, अब तुम भी कोशिश करो। ठीक है। अरे वाह, मैंने तो पहली कोशिश में कालीन उड़ा ली। बहुत अच्छे झुमरू, अब हम इस कालीन की गति बढ़ाएंगे। इस कालीन की गति बढ़ाने के लिए हमें अपने शरीर के वजन को आगे झुकाना हो, ऐसे। शुक्रिया दोस्त। चल अब तुम कोशिश करो। ठीक है। संभल के। शुक्रिया। बहुत अच्छे झुमरू, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। अब हम इस कालीन को दाएं और बाएं घुमाएंगे। ठीक है। दाएं और बाएं घुमाने के लिए हमें अपने शरीर को भी दाएं और बाएं घुमाना होगा। बाय दाएं। चलो अब तुम भी मेरे साथ करो। बहुत अच्छी झुमरू। देखो झुमरू, अब हम इसकी गति कम करेंगे। इसकी गति कम करने के लिए हमें अपने दोनों हाथ ऐसे आजू बाजू रखने होंगे, ऐसे। कितनी जल्दी सीख गया। झुमरू अब हम इस काली को नीचे उतारेंगे, अपना एक पैर आगे रखकर उस पर वजन देना होगा, ऐसे। चलो झुमरू अब तुम्हारी बारी, तुम अकेले कोशिश करो और इस काली को उड़ा। ठीक है। लेकिन मैंने तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा,
मेरा नाम बालवीर। बालवीर? लेकिन ये तो जिनिस्तान का नाम नहीं लगता। मैं जिनिस्तान का हो भी नहीं जुमरू, मैं पृथ्वी लोक के बच्चों का रक्षक हूँ। एक जिन का पीछा करते करते मैं यहाँ तक आया हूँ। दरअसल हुआ यूँ कि मेरी समझ नहीं आ रहा है मैं फितुरी को कहाँ ढूंढूं और पता नहीं मैं मानव महल तक कैसे पहुंचूंगा। बालवीर तुम्हें पता है तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। अगर बादशाह को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें कैद कर लेंगे, क्योंकि इंसानों का जिनिस्तान में आना मना है। फिर तुम अपने घर कभी वापस नहीं जा पाओगे। जुमरू जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मेरे लिए सबसे पहले मानव मेहर को चिराग की कैद से छुड़ाना बहुत जरूरी है। मेहर, बालवीर हमारे पीछे पीछे जिनिस्तान तक तो आया था, लेकिन फिर वो हमें बचाने के लिए यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? हाँ मानव, मैं भी वही सोच रही हूँ। हो सकता है वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया हो। अरे मेहर, अभी मुसीबत में तो हम फंसे हुए हैं, अब हम इस चिराग से बाहर कैसे निकलेंगे? कौन करेगा हमारी मदद? हम करेंगे हमारी मदद। वाह मेहर वाह, गुड आइडिया। हम हमारी ही मदद करेंगे। हम एक मुक्का मारेंगे तो चिराग टूट जाएगा, है ना? और फिर हम जादू से बड़े हो जाएंगे और हम उड़कर अपने घर में पहुंच जाएंगे, है ना? ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है ना मेहर? देख मानव, मुझे ताने मत मार वरना पीट दूंगी। सॉरी मेहर। इट्स ओके। लेकिन तू भी तो समझना, इस चिराग में से हमें कौन निकालेगा? हम खुद की मदद कैसे कर पाएंगे, है ना? मानव, याद है फितुरी अंकल ने जाने से पहले क्या कहा था? कि जब भी तुम्हें भूख लगे तो जो मंगवाना है वो मंगवा लेना, ये चिराग तुम्हें दे देगा। वेरी फनी मेहर, हम इतने बड़े मुसीबत में फंसे हुए हैं और तुझे खाने की पड़ी है। मानव, मुझे खाने की नहीं पड़ी है। वो देख, चिराग का ढक्कन बहुत ऊंचा है और हमारे हाइट भी छोटी हो गई है, इसलिए हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। लेकिन अगर कुछ फ्रूट्स मिल जाए तो बात बन सकती है। मानव, ये फ्रूट्स तो बहुत कम है। चल मानव, और मंगवाते हैं। ए चिराग, हमें थोड़े और फ्रूट्स दे दे। चिराग, हमें और बहुत सारे फ्रूट्स दे दे। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।